आज जो मैं टैबलेट लेके आया हूँ वो सभी को पता है कि क्रोसिन एडवांस टैबलेट एंड क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट, ये दोनों ही टैबलेट जीएसके के द्वारा बनाई जाती है और इस दोनों के अंदर अलग अलग कंटेंट है। और एमआरपी की बात करें तो क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट जो कि लाल कलर की है उसका एमआरपी 65.73 रुपीज़ रहता है, और क्रोसिन एडवांस टैबलेट जो कि ब्लू कलर के पैकेट में है उसकी एमआरपी 20.38 रुपीज़ रहती है। तो क्रोसिन एडवांस जो कि ब्लू कलर की पैकिंग है उसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर पैरासीटामोल 500 mg रहता है, और क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट जिसको लाल कलर की टैबलेट है उसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर कैफीन 15 mg एंड पैरासीटामोल 650 mg रहता है। तो इस वीडियो में मैं इसका डिफरेंस और कौन सी टैबलेट किस काम आती है और कब आपको लेनी पड़ती है तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, ताकि क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट एंड क्रोसिन एडवांस टैबलेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट के बारे में। तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है जीएसके फार्मास्यूटिकल एलएलपी। इसके अंदर दवाई की बात करें तो इसके अंदर कैफीन 15 mg एंड पैरासीटामोल 650 mg डाला गया, और 65 रुपीज़ का ये कुछ स्ट्रिप रहता है जिसमें 20 टैबलेट रहती है। तो ये सर दर्द वगैरह में यूज होती है, और ये टैबलेट को ज़्यादा नहीं लेने का, नहीं तो आपको इंसोमिया हो सकता है, नर्वसनेस हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है और रेस्टनेस हो सकते हैं, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है। तो इसको कैसे लेने का, किसको डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना लेने का, और तोड़ के वगैरह नहीं लेने का, फिक्स टाइम और फिक्स डोज रख। और इस टैबलेट को खाते वक्त आपको कुछ चॉकलेट, कैफीन या कोकोनट वगैरह ये सब अवॉइड करने का है। तो क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट काम कैसे करती है, तो इसका मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर दो दवाई डाली गई है जिसके अंदर कैफीन एंड पैरासीटामोल डाला गया। कैफीन एक नैरो ब्लड विजल्स कर देता है जिससे ब्रेन के अंदर जो हेडेक होता है उसको कम कर देता है। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक है जो कि पेन को कम करता है और बुखार को भी कम करता है, ऐसे काम करती है। और क्रोसिन एडवांस की बात करें तो क्रोसिन एडवांस जो कि ये जीएसके के द्वारा बनाई जाती है इसके अंदर पैरासीटामोल 500 mg रहता है जिसको एसिटोअमिनोफिन के नाम से जाना जाता है। तो क्रोसिन पेन रिलीफ के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक कंटेंट कम है जो कि कैफीन। तो क्रोसिन एडवांस टैबलेट के अंदर पैरासीटामोल 500 mg रहता है जिसको एसिटोअमिनोफिन के नाम से जाना जाता है। एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट रहता है जिसका एमआरपी 20 रुपये रहता है, और एक स्ट्रिप में 20 टैबलेट के करीब भी रहता है। तो ये क्या करता है कि ये फीवर को कम करता है, दर्द को कम करता है। तो ये पेन रिलीफ में यूज होता है, मतलब दर्द को कम करने में और बुखार को कम करने में हेल्प करती है। तो अगर आप इसको ज़्यादा ले रहे हो तो आपको पेट दर्द हो सकता है, नोजिया हो सकता है, उल्टी हो सकता है, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है। तो इस काम कैसे करती है कि इसके अंदर जो पैरासीटामोल डाला गया वो एक एनाल्जेसिक है जो कि दर्द को कम कर देता है, और एंटीपायरेटिक है जो कि फीवर को कम कर देता है। ये सर्टन केमिकल मैसेंजर भेजता है ब्रेन तक जिससे फीवर और पेन कम हो जाता है। तो ये सब दोनों टैबलेट अलग अलग काम करती है। क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट जो कि हेडेक वगैरह में यूज होती है, और क्रोसिन एडवांस टैबलेट जो कि बुखार और पेन में काम करती है। तो इन दोनों टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।